that was quick, isn't it? Well, I know you just can't wait to try out some new recipes on Foodalicious, your weekly food diary only on Zee Connect Season 2. So let's check out together what you're going to cook for your family this week. पिछले हफ्ते मैंने आपसे वादा किया था कि इफ्तार के अलग अलग रेसिपीज लेके आऊंगी, तो लो मैं हाजिर हो गई अपना वादा निभाने और इस हफ्ते आगाज करते हैं इफ्तार ड्रिंक के साथ। Today I'll be preparing DWC for the iftar special drink. So this all are the ingredients which we are going to use to make DWC. This is a lychee juice 100 ml, blue curacao 5 ml, lime juice 10 ml, Sprite 140 and soda 70 ml. So I'll be taking 3 cubes of ice, lychee juice, lime juice, soda. This is a Sprite. And last I'll finish with the blue curacao. Lime slice. And straw. This is a stir and straw. Thank you. और इस हॉट हॉट समर में कुछ ठंडा हो जाए। आज के रिफ्रेशिंग ड्रिंक के बाद अब बारी है हमारे इफ्तार स्टार्टर्स की। हाय शेफ, बताइए आज हमारे व्यूअर्स को आप क्या दिखाने जा रहे हैं? हम सिखाने जा रहे हैं आपको झींगा जैतूनी। झींगा जैतूनी बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम झींगा यानी प्रॉन, जैतून यानी की ऑलिव 100 ग्राम, स्पिनिच 100 ग्राम, 50 ग्राम कोरिएंडर, 50 ग्राम मिंट, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, येलो चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, मोल्ड विनेगर 20 मिली, सॉल्ट एज पर टेस्ट, ओलिव ऑयल 20 मिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट 10 ग्राम, योगर्ट 50 ग्राम। चलिए शुरू करते हैं मैरिनेशन से। पहले चाहिए हमें झींगा, फिर हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद चाहिए हमें सॉल्ट, इसको अच्छी तरह से आप मिला लें इसको। अब इसको 5 मिनट के लिए आप साइड में रखें इसको, जब तक ये प्रॉन्स मैरिनेट हो रहे हैं हम उसका बैटर बनाते हैं। हमें लेना है पुदीना, स्पिनिच और हमें लेना है कोरिएंडर, धनिया, और हमें लेना है ऑलिव, जैतून। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब वो मैरिनेशन प्रॉन्स दे दीजिए मुझे। अब इसको हम ये जो है हमने ये मिक्स करेंगे इसके साथ में, अब अच्छी तरह इसको मिला लीजिए। अब इसके साथ हम फिर से ये इंग्रेडिएंट दे दीजिए मुझे। ये है रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, येलो चिली, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, योगर्ट, ऑलिव ऑयल। अच्छी तरह इसको अब मिक्स कीजिए आप। आपका मैरिनेशन तंदूर के लिए रेडी है और यहाँ पे ये हम इसे तंदूर में बनाने जा रहे हैं, मगर अगर आप घर में इसे ट्राई करना चाहें तो आप उसे बारबेक्यू या ग्रिल में कर सकते हैं। चलिए शेफ इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। जी आप प्लेटिंग करते हैं इसके। इसको बहुत गर्म है तो इसको आप आराम से निकालिए यहाँ पे प्रॉन के पीस को, और उसको सरिये को ऐसे लगाइए इसको।
और ये तो पहले आपने ऑलरेडी प्लेटिंग के लिए सब्जी काट के जी जी ये रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम है इसमें और ये जो है कबाब मसाला है। ये रहा आपके लिए आज का स्टार्टर। चिली शेफ, स्टार्टर्स के बाद कुछ मीठा हो जाए जी। हम आपको सिखाने जा रहे हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा 200 ग्राम, देसी घी 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, शुगर 100 ग्राम, चांदी बर्ग एक स्ट्रिप। बालूशाही बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा, बेकिंग पाउडर, घी, पानी। इसको अच्छी तरह से आप गूंद लें जी। शेफ, आप ये आमतौर पे हम लोग शादियों में बनाते हैं। जी हाँ। और ये आप घर बैठे भी बना सकते हैं। अब ये डो रेडी हो चुका है, हम इसके पेड़े बनाने जा रहे हैं। इस तरह से लीजिए छोटे छोटे पेड़े, इसको इस तरह से घुमाइए इसको, और ये जो है बालूशाही को इस तरह से करना होता है। अब हमारा बालूशाही फ्राई करने के लिए रेडी है। बालूशाही रेडी है, अब चाशनी में डालते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको चाहिए शुगर, पानी, सैफ्रन चाहिए और थोड़ा सा आपको रोज वाटर चाहिए उसके अंदर डालने के लिए। इसको आप इसके अंदर ऐसे डालें। बालूशाही हमने चाशनी में डाल दिए हैं, अब प्लेटिंग के लिए रेडी है। बालूशाही आपका रेडी है। मेरा आज का इफ्तार तो तैयार है, तो आज एक मार ली। पर जाने से पहले आपका आज का सवाल, विच वॉज द ड्रिंक प्रिपेयर्ड फॉर यू टुडे? सेंड इन योर आंसर्स ऑन 7575। Until next time, that's all on Foodalicious. It's true when they say life is a series of hellos and goodbyes, because I've so many people, so many faces, but so little time. So until my next hello, my lovely people, stay connected and keep watching Zee Connect Season 2. Are you connected? And remember, as I always say, it's all about connections.